हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दहिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ B.Ed सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये ऑप्शनल है पेपर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये फिफ्थ बी है और फिफ्थ 40 मार्क का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। डेढ़ घंटे का आपके पास टाइम रहेगा और जो क्वेश्चन है आपको तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी 8 मार्क का क्वेश्चन होगा आपका फर्स्ट, एंड जो सेकंड है 2 यूनिट, उनमें से आपको 16 मार्क के दो क्वेश्चन करने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबके लिए कंपलसरी है, इसमें 8 मार्क्स में 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे, उन पे दोनों ही आपको करके आने हैं, ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले एक बात बता दूं, अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं हो रही है तो जैसे ही आपने ये वीडियो ओपन की हुई है आपके फ़ोन में, जैसे चली हुई है, आपको ऊपर कोने में अभी तीन डॉट्स दिखाई देंगे। तो जैसे ही आप उन तीन डॉट्स पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको हाई मतलब वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन दिखेंगे। तो जब आपको वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन दिखे तो आपको उन पर क्लिक करना है और अपने वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लेना है। और जैसे ही आप वीडियो क्वालिटी को हाई करोगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। और ये ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके टू पार्ट्स हैं, 4x4 के। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के सिद्धांत क्या हैं। सेकेंड है फंक्शन ऑफ काउंसलिंग, ये सेकंड है परामर्शदाता के कार्य। फिर है फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट में आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और ऑप्शन में भी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन करके आपको सिर्फ एक आना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग एंड नीड ऑफ गाइडेंस इन एजुकेशनल ऑफ वोकेशनल एरिया। शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन का अर्थ और आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ऑप्शन में है हाउ डज पर्सनैलिटी टेस्टिंग हेल्प इन इम्पैक्टिंग पर्सनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। व्यक्तिगत और व्यावसायिक निर्देशन में व्यक्तित्व प्रशिक्षण परीक्षण किस प्रकार सहायक है। नेक्स्ट सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट में भी सेम प्रोसीजर है, टू क्वेश्चन गिवन है, सेम मार्क्स के हैं, लेकिन करके आपको सिर्फ एक ही आना है। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, डिस्क्राइब द एम एंड प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग इन डिटेल। परामर्श के अर्थ की व्याख्या कीजिए, परामर्श के उद्देश्य और सिद्धांत की व्याख्या विस्तार से कीजिए। और ऑप्शन में है डिस्क्राइब द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ए काउंसलर इन डिटेल्स, परामर्शदाता के व्यावसायिक नियमों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। ये हो गया आपका B.Ed सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ डेढ़ घंटे का आपके पास टाइम है। और अब की बार तो आपको एक दिन में सिर्फ एक ही पेपर देना है। पीछे की जो पिछली बार MDO में एग्ज़ाम हुए थे उनमें हुआ था कि एक दिन में आपको 40 मार्क्स के दो पेपर देने होते थे, लेकिन CRSU ने ये किया है कि आपको एक दिन में सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। ज़्यादा बर्डन नहीं होगा आपके पास, सिर्फ डेढ़ घंटे का टाइम होगा, 40 मार्क्स का पेपर है। तो अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। एंड मैं लास्ट में यही कहूँगी, थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और जिन्होंने नहीं किया है, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी कीजिए। क्वेश्चन पेपर आपको लास्ट जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर आपको मिल गए हैं। तो चलिए गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।